2007 में दीपिका की पहली मूवी आई ओम शांति ओम। दोस्तों इस मूवी का बजट 40 करोड़ रुपए था। इंडिया में इसकी कमाई 78 करोड़ 17 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 148 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका की पहली मूवी ब्लॉकबस्टर रही। 2008 में दीपिका की दूसरी मूवी आई बचना ए हसीनो। दोस्तों इस मूवी का बजट 23 करोड़ रुपए था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 36 करोड़ 19 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 61 करोड़ का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी सेमी हिट रही। साल 2009 में दीपिका की तीसरी मूवी आई चांदनी चौक टू चाइना। दोस्तों इस मूवी का बजट 62 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 29 करोड़ 46 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 53 करोड़ 44 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी डिजास्टर रही। इसके बाद दीपिका जी की मूवी आई लव आजकल। दोस्तों इस मूवी का बजट 56 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 66 करोड़ 56 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 116 करोड़ का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी हिट रही। 2010 में दीपिका जी की मूवी आई कार्तिक कॉलिंग कार्तिक। दोस्तों इस मूवी का बजट 20 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 26 करोड़ 92 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 28 करोड़ 22 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई हाउसफुल। दोस्तों इस मूवी का बजट 47 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 75 करोड़ 62 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 123 करोड़ 70 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी हिट रही। इसके बाद दीपिका जी की मूवी आई लफंगे परिंदे। दोस्तों इस मूवी का बजट 19 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 21 करोड़ 70 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 31 करोड़ 63 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी एवरेज रही। इसके बाद इनकी मूवी आई ब्रेक के बाद। दोस्तों इस मूवी का बजट 22 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 17 करोड़ 64 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 30 करोड़ रुपए कमाए। और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। इसके बाद दीपिका जी की मूवी आई खेले हम जी जान से। दोस्तों इस मूवी का बजट 39 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई सिर्फ 5 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी डिजास्टर रही। साल 2011 में दीपिका जी की मूवी आई आरक्षण। दोस्तों इस मूवी का बजट 53 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 40 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 64 करोड़ 52 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी फ्लॉप रही। इसी साल दीपिका जी की मूवी आई देसी बॉयज। दोस्तों इस मूवी का बजट 54 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 42 करोड़ 40 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 77 करोड़ 66 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी भी फ्लॉप रही। 2012 में दीपिका जी की मूवी आई क्रॉकटेल। दोस्तों इस मूवी का बजट 53 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 71 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 122 करोड़ 99 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 2013 में दीपिका जी की मूवी आई रेस 2। दोस्तों इस मूवी का बजट 94 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 100 करोड़ 45 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 173 करोड़ 36 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी सेमी हिट रही। इसी साल दीपिका जी की मूवी आई ये जवानी है दीवानी। दोस्तों इस मूवी का बजट 75 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 188 करोड़ 57 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 319 करोड़ का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल दीपिका जी की मूवी आई चेन्नई एक्सप्रेस। दोस्तों इस मूवी का बजट 115 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 227 करोड़ 13 लाख की हुई, पूरी दुनिया में इस मूवी ने 424 करोड़ 54 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही। इसी साल दीपिका जी की मूवी आई रामलीला। दोस्तों इस मूवी का बजट 88 करोड़ रुपया था। अपने इंडिया में इसकी कमाई 116 करोड़ 33 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 207 करोड़ 33 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी हिट रही। इसके बाद दीपिका जी की मूवी आई कोचा दहन। दोस्तों इस मूवी का बजट 4 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 5 करोड़ 63 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 8 करोड़ 43 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2014 में दीपिका जी की मूवी आई फाइंडिंग फनी। दोस्तों इस मूवी का बजट 29 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 35 करोड़ 91 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 63 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी एवरेज रही। इसी साल दीपिका जी की मूवी आई हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों इस मूवी का बजट 150 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 2
203 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 383 करोड़ का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी सुपरहिट रही। 2015 में दीपिका जी की मूवी आई पीकू। दोस्तों इस मूवी का बजट 42 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 79 करोड़ 77 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 141 करोड़ 26 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी हिट रही। इसी साल दीपिका जी की मूवी आई तमाशा। दोस्तों इस मूवी का बजट 87 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 67 करोड़ 26 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 131 करोड़ 84 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी फ्लॉप रही। 2015 में दीपिका जी की मूवी आई बाजीराव मस्तानी। दोस्तों इस मूवी का बजट 145 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 184 करोड़ 20 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 355 करोड़ 61 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी हिट रही। 2017 में दीपिका जी की मूवी आई ट्रिपल एक्स। दोस्तों इस मूवी का बजट 85 मिलियन US डॉलर था। इंटरनेशनल इसकी कमाई 301 मिलियन US डॉलर है। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 346 मिलियन US डॉलर की कमाई करी। और दोस्तों ये मूवी ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। 2018 में दीपिका की मूवी आई पद्मावत। दोस्तों इस मूवी का बजट 215 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 302 करोड़ की हुई। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 572 करोड़ का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी भी ब्लॉकबस्टर रही। 2020 में दीपिका जी की मूवी आई छपाक। दोस्तों इस मूवी का बजट 45 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 34 करोड़ की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 55 करोड़ 44 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब ये मूवी फ्लॉप रही। 2021 में दीपिका जी की मूवी आई 83। दोस्तों इस मूवी का बजट 200 करोड़ रुपया था। इंडिया में इसकी कमाई 94 करोड़ 80 लाख की हुई और पूरी दुनिया में इस मूवी ने 166 करोड़ 77 लाख का कलेक्शन किया। और भाई साहब दीपिका जी की ये मूवी फ्लॉप रही। 2022 में दीपिका जी की मूवी आई गहराइयां। दोस्तों इस मूवी का बजट 25 करोड़ रुपया था। दोस्तों इस मूवी को ऑनलाइन रिलीज किया गया था, इस वजह से इसके कलेक्शन के बारे में नहीं पता चल पाया, लेकिन दोस्तों ये मूवी डिजास्टर रही थी। 2023 में दीपिका जी की मूवी आई पठान। दोस्तों इस मूवी का बजट 250 करोड़ रुपया था। अपने इंडिया में इस मूवी ने 529 करोड़ की कमाई करी। पूरी दुनिया में इस मूवी ने 1027 करोड़ की कमाई करी। और भाई साहब इस मूवी को हिट का टैग मिल चुका है। तो दोस्तों यह था दीपिका जी का फिल्मी सफर। आपने इनकी कौन सी फिल्में देखी हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।